नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोरोना की तीसरी लहर और खास तौर से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संबोधन में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में भयावह त्रासदी झेल चुके प्रदेश में अब तीसरी लहर नहीं आने देना है, इसमें सबका सहयोग जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें और वैक्सीन जरूर लगाएं। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण हालात चिंताजनक हैं। एमपी के पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र गुजरात में कोरोना और फिर पैर पसार रहा है। इसीलिए हमें इससे बचना है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सीएम ने कहा, कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है। ओमिक्रॉन देश के 16 राज्यों में आ चुका है, इसके मध्य प्रदेश में भी आने की आशंका है। अगर पूरी दुनिया को देखें तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए हालात को देखते हुए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है, हमें सारे जरूरी उपाय करने हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप देर ना करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम ने कहा कि हम रात्रिकालीन कर्फ्यू फिर से लगा रहे हैं, ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी कड़े कदम उठाएंगे। अगर कोविड पॉजिटिव मरीज मिला तो घर में जगह है तो घर में आइसोलेट करें, अन्यथा अस्पताल में भर्ती कराएं। कोरोना से निपटने में सबका सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में बच्चे 50% की संख्या में जाएंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।